इमरान खान की खातून जज को नाम देकर धमकियां, अदालत ने एक्शन ले लिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच आज समाप्त करेगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला तमाम जजों की मुशावरत से किया गया। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। सैटेलाइट फोन, मोबाइल फोन, पिस्तौल, डायरी और दीगर अशिया बरामद। पीटीआई रानुमा के कमरे से कुछ अहम दस्तावेजात भी बरामद हुई। 9mm पिस्तौल और गोलियों का नया मुकदमा थाना सेक्रेटरीट में दर्ज होगा। बरामद अशिया थाना सेक्रेटरीट पुलिस के हवाले कर दी गई। बारिशों ने जिला सांगढ़ के कई इलाकों को तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान हेड जमराव वर्कशॉप और गजरी को हुआ। सैम नाले को शगाफ पड़ने से 100 देहात जरियाब आ गए, हजारों एकड़ फसलें तबाह। कंदकोट में सूबाई वजीर शब्बीर बजरानी ने सैलाब मुतासर इलाके का दौरा किया। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। एक मोमर खातून ने दुहाई दी कि हमारा घर बार सब कुछ तबाह हो गया, इतना भी नहीं है कि रात का खाना खा सकें। महकमे जंगली हयात ने डीआई खान से 1 करोड़ रुपए मालियत के 15 अकाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तमाम अकाब आजाद फजा में छोड़ दिए गए। और एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम एम्स्टर्डम से दुबई पहुंच गई। कौमी स्क्वाड आज होटल में आराम करेगी। कल से दुबई में ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। शाहीन शाह आफरीदी की जगह मोहम्मद हसनैन एशिया कप स्क्वाड में शामिल।